आएगा ना भिड़ो। तो यार वीडियो पे अगर आप लोग एक बार आ ही चुके हो तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाओ, क्योंकि इस वीडियो से अगर आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट में जितना हो सके उतना गाली दे देना, लेकिन यार वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाओ, 100% आपका फायदा होगा ही होगा। देखिए यार जब हम लोग सुपर फास्ट सेटअप ग्लो लगाने जाते हैं तो वहाँ पर हमें दो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब हम लोग वन टाइम मारने के बाद सुपर फास्ट सेटअप ग्लो लगाने जाते तो वहाँ पर हमारा ग्लो वॉल बिल्कुल एनिमी के पीछे बन जाता है, मतलब एनिमी ग्लो वॉल के अंदर आ जाता है जिसके वजह से एनिमी उस सिचुएशन पे हमें मार देता है। तो भाई ये प्रॉब्लम 90% प्लेयर को फेस करना पड़ता है। अब देखो यार दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जब यार सुपर फास्ट सेटअप ग्लो वॉल लगाने जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभार हमारा हाथ में ग्लो वॉल नहीं आता और हम लोग मिस फायर कर देते। मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे वीडियो क्लिप में ही देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे मेरा मिस फायर हो रहा है कि मेरा ग्लो वॉल यहाँ पे हाथ में ही नहीं आ रहा है और मैं यहाँ पे फायर कर दे रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे बंदे को फेस करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये दो प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सल्यूशन कर सकते हो। देखो यार वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 150 के यूट्यूब फैमिली। तो यार आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ब्रो। यार आप लोग एक पीसी प्लेयर को बिना बोले सब्सक्राइब करके आते हो, जो बंदा आपको नहीं सिखाता है और पीसी में खेल रहा है, और जो बंदा मोबाइल में खेल के आपको सिखा रहा है यार उनको आप लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते। और देखो यार अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो क्या आपका पैसा कट जाएगा? नहीं ना, तो यार सब्सक्राइब कर लो। तो यार सबसे पहले आपको सेंसिटिविटी में एक छोटा सा चेंजेस करना है। आपका जो जनरल सेंसिटिविटी को आपको बिल्कुल 100 रखना है, और आपका जो रेड डॉट का सेंसिटिविटी है, रेड डॉट के सेंसिटिविटी को आपको 80 रखना है। बस आपको इतना सा ही काम करना है, और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा आपको आगे जाके पता चलेगा। अब देखो यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पहला प्रॉब्लम के बारे में। देखो यार हम लोग जब वन टैप मारने के बाद सेटअप ग्लो वॉल लगाने जाते तो वहाँ पर हमारा ग्लो वॉल एनिमी के पीछे क्यों बन जाता है? भाई क्यों बन जाता है सबसे पहले आप लोग ये समझो। देखो यार इसके पीछे एक ही कारण है, वो है आपका एम। हाँ भाई यहाँ पे एम का थोड़ा सा फंडा है जो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यार आप लोग यहाँ पे जो वीडियो क्लिप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं है, तो यहाँ पे मेरा जो एम है मेरा एम यहाँ पे लॉक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसा मर्जी यहाँ पे ग्लो वॉल लगा सकता हूँ और मेरा फास्ट ग्लो वॉल यहाँ पे बनता जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अब आप लोग ये वाले वीडियो क्लिप में देखो कि यहाँ पे जो है एनिमी है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं वन टाइम मारूंगा और उसके बाद ग्लो वॉल लगाने जाऊंगा सेटअप ग्लो वॉल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा ग्लो वॉल है एनिमी के पीछे बन गया। तो यहाँ पे क्यों बन गया? क्योंकि मेरा एम यहाँ पे एनिमी के बॉडी में लॉक हो गया था जब मैं वन टाइम मारने की ट्राई करा था, तो जिसके वजह से मेरा जो ग्लो वॉल है एनिमी के पीछे बन गया, क्योंकि मेरा एम यहाँ पे चिपक गया था। तो भाई यार यही रीज़न है जिसके वजह से हमारा ग्लो वॉल एनिमी के पीछे बन जाता है। अभी बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें। देखो यार हम लोग जो ग्लो वॉल लगाते हैं उसका तरीका गलत है, तो मैं आपको सही ग्लो वॉल के तरीका बताता हूं। देखो यार जैसे ही आपको कोई एनिमी दिख गया तो वहां पे आप लोग क्या करते हो, वन टाइम मारने की ट्राई करते हो। जैसे कि मैं यहां पे कर रहा हूं, वन टाइम मारने की ट्राई करा, ड्रैग करा, तो मेरा यहां पे वन टैप नहीं लगा, मेरा एम एनिमी के बॉडी में चिपक गया। अब देखो जैसे ही मेरा यहां पे वन टैप वर्क नहीं करा तो मैं यहां पे सोचा कि भाई मुझे ग्लो वॉल लगाना है सिर्फ ग्लो वॉल, तो मैंने यहां पे क्या किया, ग्लो वॉल के बटन को प्रेस किया और उसी मोमेंट पे मैंने सीट बटन को प्रेस किया, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस सबसे पहले आप लोग समझो स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों ने वन टैप मारने की ट्राई करा, वहां पे आपका वन टैप नहीं लगा, आपका एम जाके एनिमी के बॉडी में चिपक गया, तो उसके बाद आपको सेटअप ग्लो वॉल लगाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्लो वॉल के बटन को प्रेस करना है, उसके बाद आपको सीट बटन को प्रेस करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जॉयस्टिक बटन को पीछे की ओर खींच के लाना है। हाँ भाई जैसे ही आप लोग जॉयस्टिक बटन को पीछे की ओर खींच के लाओगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा ग्लो वॉल है मेरा ग्लो वॉल एकदम पास में आ गया। हाँ भाई जैसे ही आप लोग जॉयस्टिक बटन को बिल्कुल पीछे की ओर खींच के लाओगे आपका ग्लो वॉल बिल्कुल आपके सामने हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे फायर बटन को फिर से प्रेस कर देना है, तो आपका जो ग्लो वॉल है आपका ग्लो वॉल बिल्कुल आपके पास में ही बन जाएगा। तो अगर आप लोग यही तरीके से ग्लो वॉल लगाओगे तो आपका ग्लो वॉल बिल्कुल आपके पास में ही बनेगा और आपका ग्लो वॉल बहुत ही फास्ट बनेगा। तो अभी बात करते हैं हमारे दूसरे प्रॉब्लम के बारे में कि यार कभी कभार जब हम लोग सुपर फास्ट सेटअप ग्लो वॉल लगाने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा ग्लो वॉल हाथ में ही नहीं आता है और हम लोग यार फायर बटन को प्रेस कर देते हैं। मतलब यार आप लोग यहाँ पे वीडियो क्लिप में देख सकते हो कि मैं आपको आपको कहना क्या चाहता हूँ। तो भाई देखो यार ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारा जो टच है ना, टच हमारा यहाँ पे काम नहीं करता है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। हाँ भाई गेम के सेटिंग में नहीं, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है टच सेंसिटिविटी। हाँ भाई सबके फ़ोन में ही होगा टच सेंसिटिविटी। तो यार टच सेंसिटिविटी को आपको ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो टच सेंसिटिविटी है, आपका टच सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो गाइस यार आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार आपका पैसा थोड़ी ना कट रहा है यार, सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर।